रामाचरण कॉलेज इन दिनों असुविधाओं का शिकार है। इस कॉलेज में करीब 1000 विद्यार्थी हैं, लेकिन सुविधाओं का हाल बेहाल है। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की कमी है और कुछ टीचर तो खुद ही दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। कॉलेज में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसके साथ ही कॉलेज के नए भवन में भी दरारें पड़ने लगी हैं। कॉलेज में गंदगी रहती है और पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थियों ने समस्याओं के समाधान की मांग की है। यार कहाँ कहाँ के रहने वाले आप? कितना दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर साइकिल से आती है? क्या नाम आपका? कहाँ पढ़ती हैं? श्यामाचरण, पंडित श्यामाचरण कॉलेज। अच्छा, और कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हम लोग सर बीएससी बस में 150 से 180 छात्र हैं एक ही क्लास में। यहाँ बीएससी प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों है, बीए प्रथम द्वितीय तृतीय। तो ये कब से बंद पड़ा पानी? ये काफी इस सत्र में चालू नहीं हुआ अभी तक। क्या खराबी, किसी को बोले? सर लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ नहीं दे रहे हैं। गणित द्वितीय का छात्र हूँ यहाँ। यहाँ लाइब्रेरी है तो वहाँ 2 स्टूडेंट बैठते हैं, उसके बाद कोई सीट नहीं है तो लाइब्रेरी की समस्या है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक समय पढ़ के निकल चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ फर्स्ट ईयर। यहाँ कंप्यूटर है किंतु हमें सुविधा नहीं मिल पा रही कंप्यूटर की अच्छे से। इसी तरह बहुत समस्याएँ हैं। बता देना चाहता हूँ आपको मैं कि यहाँ जो पेयजल की व्यवस्था है बहुत ही मतलब नहीं है। और जो स्टाफ की जो टाइमिंग का टाइमिंग मतलब जो टीचर है बहुत टाइम टाइम से लेट आते हैं। ये समस्या है कि अभी ट्रांसफर होकर के हिंदी की प्रोफेसर एक थी, हो गई एक अतिथि अध्यापक आती है। और एक और कोई बताते हैं कि स्वास्थ्य जिनका खराब चलता है उसके कारण कोई टीचर एक आते नहीं। हाँ जी हाँ। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि वो कार्यरत हैं, तो उनके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। उद्धवनगर विकासखंड सिविल